हेलो इंजीनियर्स, वेलकम बैक। आज हम जानेंगे कि हम डोरमर कैसे बनाते हैं। डोरमर बनाने के लिए आपको सिर्फ दो चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा कि इसमें सबसे पहले आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको जो डोरमर कमांड दी गई है वो सिर्फ कमांड ही है। आपको वो बना बनाया डोरमर नहीं देगा, आपको डोरमर बनाना पड़ेगा। उसके लिए आपको क्या क्या यूज़ करना पड़ेगा, आपको फुटप्रिंट, रूट बाई एक्सट्रूजन, इनका यूज़ करना पड़ेगा। साथ में आपको वॉल भी बनानी पड़ेगी, तब जाके आप डोरमर का यूज़ कर सकते हैं। इन सभी को आप जब अच्छे से परफेक्टली यूज़ करेंगे तब जाके आप डोरमर बना सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको करना है रूट बाई फुटप्रिंट पे आप क्लिक करते हैं और यहाँ पर आपको जो भी आता है आप उस पर क्लिक कर लीजिए और यहाँ पर टॉप पे आ जाओ। मैंने यहाँ अपना बना दिया क्या, रूट बाई फुटप्रिंट, ओके कर दिया। ये मेरी रूट बाई फुटप्रिंट से मेरी सीलिंग और रूप बन गई है। तो अब आप देखेंगे, आप मैं रूट बाई एक्सट्रूजन का यूज़ कर रहा हूँ। रूट बाई एक्सट्रूजन का यूज़ करने के लिए आप यहाँ पर प्लांट क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप इसकी उसके नीचे वाली फेस को यहाँ से यहाँ क्लिक कर लेंगे कि आपको यहाँ चाहिए। ठीक है, आपने जैसे ही उसको क्लिक किया, अभी आपको बनाने का ऑप्शन देता है तो रूट बाई फुटप्रिंट से आप यहाँ तो पिक लाइन से बनाई है, जैसे कि मैंने इसको पिक लाइन में यहाँ क्लिक कर दिया। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा इसको, एक मिनट, ये मैंने इसको यहाँ से क्लिक कर लिया। अब क्लिक करके मैं क्या करूँगा, इसको मिरर कर दूंगा। जैसे मैंने इसको मिरर किया कुछ इस तरीके से आई। अब मैं क्या करूँगा, इनको थोड़ा सा एक लाइन लेके यहाँ से, आपको ऐसा नहीं करना है, आप अपने हिसाब से बनाएंगे, छोटा कर लेंगे। जैसे मैंने यहाँ क्लिक किया तो मैं क्या करूँगा, इसको 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 हो गया और इस लाइन को मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया क्योंकि मुझे इस लाइन की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ से इसको मूव कर लिया। जैसे मैं यहाँ से इसको मूव करता हूँ तो इसको मैं तकरीबन यहाँ पर ले आता हूँ, है ना। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं क्या करूँगा, इसको ओके करूँ, कुछ इस तरीके से अपनी सीलिंग बना ली है बहुत। ठीक है, यहाँ से मैंने इसको बड़ा कर लो चाहे छोटा कर लो, जैसे भी करना है इसको। आपको इधर बाहर वाले को आपको सेट करना है, मैंने यहाँ पर इसको सेट किया इतने में। ठीक है, मेरे डोरमर के लिए इतना मैं सेट कर लेता हूँ। अब आपको इसको क्या करना है, जॉइन एंड अनजॉइन में मैंने इसको क्लिक किया और इस पे जाके मैंने क्लिक कर दिया, ये इस तरीके से जॉइंट हो गया। अब आपको कुछ नहीं करना है, ये बन चुका है। आपको टॉप पे आना है, हम टॉप पे आए, इस पे क्लिक करेंगे और वायरफ्रेम में आएंगे। अब यहाँ पर आपको वॉल बनाना है, सिंपल वॉल पे आए तो देखिए आप पिक लाइन से भी कर सकते हैं, जैसे कि मैं इसको पिक लाइन लूँगा अंदरूनी, ये देखिए सिंपल ये बन गई है। अब आप यहाँ देखेंगे ये कुछ इस तरीके से हो रहा है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, पहले इसको मिडल लाइन में आ गए हैं। अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, इसको यहाँ पर क्लिक करते हैं, हम क्या करें, अटैच टॉप। तो टॉप है हमारा, टॉप क्या है हमें पता होना चाहिए, हमारा टॉप ये है। हमने इस पर क्लिक किया, ये सभी इसके नीचे आ गई। ठीक है, अब फिर हम इसको क्लिक करेंगे सभी को, हमने क्लिक किया, फिर हम करेंगे इसी अटैच टॉप पे और यहाँ पर जाएंगे बेस, बेस पे क्लिक। बेस हमारा क्या चाहिए, ये चाहिए, हमने इस पर क्लिक किया, ये इस तरीके से कुछ बन गया। ठीक है, तो इन्होंने इस तरीके से हमारा बन गया है। अब आप इसको डोरमर अभी पूरी तरह से कह नहीं सकते क्योंकि डोरमर के नीचे ये हमेशा वैसा भी ये भी कटी होनी चाहिए, ये कटिया नहीं है। डोरमर एक कटिंग का ऑप्शन है जो जिससे कि हम साफ कटिंग ये सब करते हैं, वैसे वो भी एक कटिंग का ऑप्शन है पर वो सिर्फ डोरमर के लिए कटिंग करता है। अब डोरमर पर क्लिक किया, अभी हमको एक कुछ ऑप्शन नहीं देगा क्योंकि हमें इसको सेलेक्ट करना है। अभी हमको ऑप्शन देगा, हम टॉप पर जाएंगे, अब हम क्या करेंगे, वायर फ्रेम करेंगे। अब हमने जो हमारे सेलेक्ट है हम इसको सेलेक्ट करते हैं, एक लाइन इंटीरियर लेना है, क्रॉस होना चाहिए, आपस में ज्वाइनिंग होनी चाहिए सभी लाइन, लूप बना होना चाहिए, बिना लूप के आप उसको नहीं बना पाएंगे। मैंने इसको क्लिक किया, इसको क्लिक किया, मैंने इसको क्लिक किया, 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 इसको क्लिक किया। मैं इसको एक बार और देख ले रहा हूँ, ये लाइन अलग से है तो मैं इसको, मैंने यहाँ पर इसको क्लिक किया, डबल लाइन हो गई है और ये हटा दिया। तो कुछ इस तरीके से हमारी ये देखिए चारों तरफ से लूप बन गई है। अब हम इसको यहाँ क्लिक कर देंगे, जैसे मैंने इसको क्लिक किया, अब आपको नीचे से मैं दिखाऊंगा इसको, और दिखाने से पहले मैं क्या करूँगा, मिडल लाइन, मिडल लाइन पे जैसे मैं इसको क्लिक करता हूँ और नीचे आपको दिखाता हूँ इसके, तो ये देखिए कुछ इस तरीके से ये कटिंग हो जाएगी। डोरमर का यही यूज़ है इंजीनियर्स, आप ऐसे ही इसको बनाएंगे। और आप इसको दिखाने के लिए यहाँ पर क्या कर देंगे, इस वाली वॉल को आप क्लिक करेंगे जो फ्रंट वॉल है, देखिए आपने इसको क्लिक किया, ये देखिए ये आपकी जो बन गई है वॉल ऐसी थी कुछ इस तरीके से आई। आप इसमें यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ हल्का सा आप वो बना देंगे और इसको आप ओके कर देंगे। जैसे आप ओके करेंगे तो इस तरीके से कुछ आ जाएगी, तो ये आपका डोरमर कंप्लीट हो गया। आप इस तरीके से डोरमर बनाएंगे।
ठीक है, मैंने आपको उसमें भी बताया था कि आप दूसरी तरीके से भी डोरमर बना सकते हैं। वो कैसे बनाएंगे वो भी मैं आपको यहीं बता दे रहा हूँ। देखिए आप क्या करेंगे, ये आपने एक बनाया, अब आप क्या करेंगे, टॉप पे जाएंगे, यहाँ पर, यहाँ आप दूसरा फुटप्रिंट लेंगे, कोई सा भी फुटप्रिंट लेंगे। ये मैंने फुटप्रिंट लिया, ठीक है, ये आपने फुटप्रिंट आया आपका, आपने इसको फुटप्रिंट पे इसको ऐसा बनाया, मैंने इसको ऐसा बना दिया। अब आप क्या करेंगे, इसमें थोड़े नए चेंजेस करेंगे इस फुटप्रिंट पे। कैसे करेंगे अभी देखिए, यहाँ से क्लिक किया, यहाँ से क्लिक किया, यहाँ से क्लिक किया, यहाँ क्लिक किया, तो ऐसे ही आप इधर करेंगे, ऐसा हो गया। आप ऐसे यहां करेंगे, यहां क्लिक करेंगे, ठीक है, ठीक है, मैंने उसको क्लिक किया, ठीक है, मैंने यहां किया इसको क्या, मिरर, इसके मिडिल पॉइंट से मैंने यहाँ नीचे कर दिया, ठीक है, यहाँ बन गया। फिर यहाँ लिया इसको मिरर, इसके मिडिल पॉइंट से मैंने यहाँ कर दिया, यहाँ बन गया। फिर यहाँ लिया इसको मिरर, इसके मिडिल पॉइंट से यहाँ लिया, यहाँ बन गया, ठीक है, ये आपने कर लिया। अब आप क्या करेंगे, सिंपल सिंगल लूप बनाना, इसको मैंने क्लिक किया, यहाँ इससे क्लिक, इसको मैंने इससे कनेक्ट कर दिया। ये एडवांस है, ये आपको कभी उसमें नहीं है, कोर्स में नहीं है, तो मेरे को ये बीच की लाइन करने के लिए मैं क्या यहाँ कट करना पड़ेगा। अब देखिए अब क्या करते हैं, अब क्या करते हैं, ये वाला स्लोप कंट्रोल किया, ये वाला स्लोप, ये वाला स्लोप सब कंट्रोल करके, एक एक करके भी कर सकते हैं, मैं कंट्रोल करके कर रहा हूँ, ठीक है, ये सब, ये सभी स्लोप को मैंने क्लिक किया और यहाँ कर दिया उनका डिफाइंड स्लोप को हटा दिया। यानी यहाँ पर अब कोई डिफाइंड स्लोप यूज नहीं होगा, ठीक है इंजीनियर्स। अब मैं इसको क्या करूँगा, यहाँ पर ओके कर दूंगा, आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।